वालेकुम सलाम। गुड जी वालेकुम सलाम सर। गुड गुड। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बस ठीक है, गुड। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई आंसर आया या कोई नहीं फैसला आज भी किया? नहीं आया अभी तक। ये वेले हैं, कसम पाकिस्तान इकॉनमी तबाह हो गई, ये भी वही है, दफा करो। मैं क्लासें पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछा, मैं शायद कुछ हो गया होगा बेहतर, बट वो ही है, चल इग्नोर कर। अच्छा, आज जो टॉपिक हमने करना ये जो आपकी ग्रिड नंबर 4 है, ग्रिड नंबर 4 में से एक टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आया हुआ भी है। मैं अभी आपके से अच्छा, आज मैंने नहीं पूछा, आज क्वेश्चन है कुदरती। पहली दफा ऐसा हुआ, मैंने क्लास में नहीं पूछा कि यार पीछे से कोई चीज है तो वो पूछ लें, वो मैंने कहा शायद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐलान कर दिया होगा उसकी खुशी में। तो अच्छा, क्वेश्चन है जी, वलीद कल क्लास ली थी? पहले ये बताओ जरा, अपना माइक अनम्यूट कर लो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने भाई क्लास ली थी। साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी सर, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर मैंने कल क्लास ली थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे क्योंकि दोनों में वो हाई प्राइस चार्ज करा इनिशियली, तो मैं सिर्फ इसी वो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पूछना चाह रहा था ठीक आपसे। है, थैंक ठीक है। यू। अच्छा वलीद, एक चीज याद रखनी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हाई लो है ना, ये एक जनरल फेनोमिना है। हम कहते हैं या तो कंपनी हाई प्राइसिंग करेगी या लो करेगी, सिंपल। ठीक है, अब वो या तो हाई कर रही होगी तो हाई रखेगी, लो कर रही होगी तो लो रखेगी, सिंपल। अच्छा, अब स्कीमिंग और पेनिट्रेशन में क्या फर्क है? स्कीमिंग और पेनिट्रेशन में अब फर्क ये है कि उसमें बेसिकली एक में आप स्टार्टिंग में मार्केट में प्राइस लो रख के देन हाई करेंगे, और एक में आप स्टार्टिंग में हाई रखेंगे और देन लो पे चले जाएंगे। ये फर्क है। यहां पे मैंने कल बताया था कि सिंपल और सिंपल इसका फर्क क्या है, कि ये सिंपल अगर हम स्ट्रेटेजिक टर्म्स की बात करें तो ये यस, आप उस सिनेरियो के अंदर इसको डील कर सकते हैं, बाकी ये चीज ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है। मतलब अगर बात की जाए हाई लो की या ये, तो बात एक ही कॉन्टेक्स्ट में, बट क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक टर्म एक अलग है, दैट्स वाई हम उसको एक अलग फिनोमिना डील कर लेते हैं। बस क्लियर है विलीत? वलीद क्लियर हुई? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, हमारे बड़े प्यारा से बंदा है, उसने कहा बेसिकली सर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री की ना कोई एग्जाम्पल दे दें, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, फर्स्ट डिग्री क्या है कि हम कहते हैं कंज्यूमर से आप एग्जैक्टली उतना ही चार्ज करते हैं जितना वो विलिंग होता है पे करने के लिए। मेरे ना मोस्टली दोस्त हैं ये हैबर पख्तूनख्वा वाले और स्टूडेंट भी ना, तो मैं वो जब ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ ना क्लास के अंदर, तो वो मैं कहता होता हूँ ये जो हमारे पठान भाइयों वाली प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, जो कस्टमर जहां पे फंस गया ये वो है कि आपने अंदाजा लगा लिया कि ये बंदा इतना पैसा पे कर सकता है, आपने उससे उतनी प्राइस चार्ज कर लेनी। वो आप होता नहीं, वो पठान के पास खड़े हो तो वो आप क्या उसको जिकावा भी देंगे, अच्छा मैं यार जाने लगा हूं, देना है तो दो। वो हम आगे, वो फिर पीछे से आवाज देगा नहीं भाई रुक जाए रुक जाए रुक जाए।
ये वही कॉन्सेप्ट है। वो जैसे आप पेंट सूट पहन के किसी दुकान पे चले जाएं, वो कहेगा अच्छा ये अमीर लग रहा है, इसको ज्यादा रेट बताओ। वही आप शलवार कमीज पहन के पुरानी अनप्रेस्ड चले जाएं, तो आप देखना आपको सही रेट पे मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट डिग्री में सारी यही है कि आप कस्टमर की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली उसको चार्ज करेंगे, कितना वो पे कर सकता है, विलिंग है पे करने के लिए। अब वो पठान बार्गेनिंग करें ना, तो वो आप देखें उसे पूछें, वो उनसे भाई से पूछो क्या दें, वो कहेगा इतने का। हम कहेंगे नहीं यार ये इतना कैसे महंगा जान के। अच्छा फिर तुम बताओ कितने का लेना है। फिर आप पहले बात कहेंगे नहीं इतने का तो खरीद नहीं है। फिर आप कहेंगे अच्छा चल इतने कर लो, वो कहेगा नहीं इतने का नहीं हो सकता इतनी प्राइस। आप फिर कहेंगे नहीं इतने का नहीं मैं जा रहा हूं, बस ठीक है आखिरी है मेरी तरफ से। फिर वो आपको पीछे अच्छा ठीक है आ जाओ ले जाओ। ये हाँ समझ, फर्स्ट डिग्री समझ आई एग्जैक्ट, फिर बता फिर आगे सेकंड समझाऊंगा। गुड, अब आते हैं सेकंड पे। अच्छा अब सेकंड डिग्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं, ये ना जानबूझ के लालच दी जाती है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस वाले को कहता है बेसिकली, मतलब एक कस्टमर को कहेगा कि यार आप हमसे ये चीज बल्क में बाय कर लो, हम आपको ह्यूज डिस्काउंट दे देंगे। अब देखे ना ये जो हमारी माशाल्लाह जनती लेडीज हैं, ये तो वो सेल का नाम सुने इनकी आंखें वैसे फिरना शुरू हो जाती हैं, और जिस ब्रांड पे जाके इन्हें पता लग जाए बाय वन गेट वन फ्री, छलांग आप यकीन मान ले लिटरली अंदर से ये छलांगे मारती हैं। अब क्या है कि देखे ना उस बंदे का क्या कसूर है कि जो वो चीज नहीं परचेज कर रहा, वो आपकी ऑफर उस पर लगी हुई है या आप डिस्काउंट उस प्रोडक्ट पे दे रहे हैं उस बंदे को जो उतनी सर्टन क्वांटिटी परचेज करेगा। अब एक यूनिट भी उससे कम है या ये तो वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो वो जो फुल प्राइस बेचारा पे कर रहा है उसका क्या कसूर है। तो कम क्वांटिटी वाले को इसमें नुकसान होता है, या सिंगल पीस जिसने लेना हो उसको नुकसान होता है सेकंड डिग्री में। उसको फायदा ये है ज्यादा जो क्वांटिटी में बल्क बाय करते हैं लोग, ये उनके लिए यूज किया जाता है टैक्टिक्स के, उनको डिस्काउंट ज्यादा ऑफर किया जाए। अदरवाइज बाकी सबसे आप क्या करेंगे, सेम प्राइस चार्ज करें। ये इंटरनल डीलिंग भी होती है, बाज का थी कंपनी पॉलिसी नहीं होती। बहरहाल आपने क्योंकि कस्टमर को गेन करना होता है, फंसाना होता है किसी लेवल के ऊपर, तो आप उसे कहते हैं अच्छा यार बताओ अगर इतनी क्वांटिटी लें तो फिर आप कितने की दे देंगे, ये फिर वो बातचीत आगे चलती है, देन डील हो जाती है। समझ क्लियर हुई है सेकंड एग्जांपल? ठीक है आगे चलते हैं थर्ड डिग्री की तरफ। अच्छा थर्ड डिग्री में क्या कहता है, कहते जब आप मार्केट को डिवाइड कर दें हाई डिमांड एरिया और लो डिमांड एरिया के हिसाब से, या हाई डिमांड ग्रुप लो डिमांड ग्रुप के हिसाब से, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया इस पर्टिकुलर एज ग्रुप इस पॉपुलेशन में यहां पे ज्योग्राफिकली है ये, यहां पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है दूसरी जगह पे कम। तो जहां पे हाई डिमांड होगी मे बी वहां पे आप कम प्राइस दे दें, कंपटीशन टफ होगा, और जहां पे लो डिमांड होगी मे बी वहां पे आप ज्यादा प्राइस चार्ज करें। अब इसकी एग्जांपल मैं देता होता हूं थर्ड डिग्री की, बड़ी अच्छी है। आप में से ये जो लोग है ना फैसलाबाद वाले और लाहौर वाले बैठे हुए हैं, अब जरा लाहौर वाला कोई बंदा इनमें से बताए जी वहां पे वो कोक की रेगुलर बॉटल कितने की मिल रही है आजकल, कोई भी बताए लाहौर वाला या फैसलाबाद वाला। फैसलाबाद नहीं वहां पे भी काम है, लाहौर है जी कोई लाहौर से 30 की, यस ये किसी जमाने में मिलती थी इतने की इस्लामाबाद में। यहां 35-40 का कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई,
ये हमेशा प्राइस डिफरेंस आपको कोक और पेप्सी की प्राइसिंग के अंदर नजर आएगा पक्का। क्यों? वो बड़ी मार्केट है, वहां उनको पता है पेप्सी और कोक का कंपटीशन इतना क्लोज होता है वहां पे और कंजम्पशन ज्यादा है, तो वहां पे वो क्या करते हैं प्राइस को कम रखते हैं, ये पक्की बात है। और यहां पे ज्यादा है रेट उसका, मार्केट छोटी, नंबर ऑफ कस्टमर कम है, दी रीजन। हाँ समर, बात समझ आई? यार थैंक यू, मेरा काम है भाई, थैंक यू क्यों कह रहे यार, गुड है गुड है। लड़को पूछने से खुशी होती है, पूछना चाहिए जब चीजें क्लियर ना हो। चलते हैं जी आगे। अब जो आज का टॉपिक है ना, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको डिफरेंट कुछ स्टोरीज हैं आज, पहले वो स्टोरीज आपको जब क्लियर हो तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, और इसके बाद जो हमने आपके कोर्स की सबसे लास्ट ग्रिड जो है ना, जिसमें वो मोटिवेशन थ्योरीज और मतलब उसमें वो उसको क्या कहता है बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होता है वो आपको समझ आएगा क्यों होता है कैसे होता है। ये आपका पास पेपर के अंदर ना बिजनेस वैल्यू वर्च्यूज का ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बट आज ये पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको, ये आपको ना ये वाला टॉपिक हो गया और लास्ट जो ग्रिड के टॉपिक्स है ना ये तब समझ आएंगे जब आपको कुछ बिजनेस वर्ल्ड के फिनोमिनास क्लियर हो, होता क्या है कैसे होता है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स और ये वो फील्ड्स हैं। आप बेशक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की बात करें, बिहेवियरल थ्योरीज की बात करें, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर बात करें, बेशक फाइनेंस के अंदर बात करें, या आप ये एथिक्स की बात करें या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, ये बिल्कुल न्यू फील्ड्स हैं। इनको दुनिया में आए हुए या बिजनेस वर्ल्ड में आए हुए किसी को इनमें से मोस्टली अगर हम बात भी करें तो 20 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे। इसमें से कुछ ऐसी फील्ड्स हैं शायद उनकी इमर्जेंस बहुत ज्यादा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कुछ 16-17 साल तकरीबन इतने हुए होंगे, तो ये बड़े लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। और क्योंकि इनकी बातें समझ आपको तब आती हैं जब आपको कई कॉन्सेप्ट्स माइंड के अंदर क्लियर हों, इनके बिहाइंड बेसिस क्लियर हों, हम करते क्यों ऐसा होता क्यों। सुने कुछ ऐसी चीजें जिसने ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना बिजनेस वैल्यूज का, एथिक्स का कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर, इसको बहुत ज्यादा ओरिजिनेट किया। पिछले 7-8 साल में जितनी बिजनेस एथिक्स के ऊपर बात की जाने लगी है इतनी इससे पहले कभी नहीं की गई थी। जो बिजनेस वैल्यूज को प्रायोरिटीज आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस में दी जाती है इससे पहले कभी नहीं दी जाती थी। क्यों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है? बिजनेस वैल्यूज का कंपनी की या बिजनेस के सक्सेस में क्या इंपैक्ट होता है, बाकी सारी चीजों के ऊपर उसके क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं, रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी बातें। बट ये बातें की क्यों जाने लगी? असल में जब तक आपको ये सिनेरियोस नहीं पता होते ना और ये फील्ड्स ओरिजिनेट कहां से हुई सारा कुछ, तब तक आप इसको समझने से कासिर हैं। नंबर वन, दुनिया में कुछ ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से सबसे पहले एथिकल कंसर्न्स अराइज हुए। जब एथिकल कंसर्न्स अराइज हुए तो सबसे ज्यादा डीप इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर पड़ा। देखें आप मैं, हम पहले बात करें तो हम ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के बाद फिर हम पर्टिकुलर एक फैमिली का पार्ट होते हैं, देन हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट होते हैं, देन कंट्री के पार्ट के साथ साथ हम
एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हम किसी एक कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव भी, हर किसी का अपना अपना है, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना अपना कल्चर होता, और वो कल्चर कहां से ड्राइव हो रहा होता, उसकी वैल्यूज। तो ये जो एथिकल कंसर्न्स अराइज हुए, बेसिकली इनका मेन इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर, बिजनेस वैल्यूज के ऊपर। यहां से फिर कई कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए आगे फर्दर, जिसको एक उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट देखा गया नंबर वन, और दूसरा जो एस्पेक्ट था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा गया। अब जब आपने ये चीज पढ़नी है ना, तो पहले तो आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज के दरमियान डिफरेंस चाहिए होगा आपको माइंड में। पहली बात तो ये कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या है, कि आपके माइंड में वो चीज सोचते ही क्लिक करे कि वो क्या है। तो देखते हैं जी हम बारी बारी। पहली बात, जब हम बिजनेस वैल्यूज या वर्चुअल बात करते हैं, बेसिकली ये बिजनेस वैल्यूज या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज होती क्या है? तीन मेन बातें, तीन चीजें सिंपल। बिलीफ, मेरा नहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ की बात कर रहे हैं, मेरा तो मेरे कल्चर के हिसाब से होगा ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का तो कल्चर अपना अलग अलग होता है, इंडिविजुअल का अलग है। तो कहता है नंबर वन बिलीफ्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ्स की बात करो। नंबर टू फिलॉसफीज क्या है, नंबर थर्ड प्रिंसिपल्स के। प्रिंसिपल्स बेसिकली आपको ना एक एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिस उर्दू में वो आप असूल बोलते हैं, ये आपको क्या बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस लेवल। मुझे पता है जॉब्स लेके तो मुझे रोजाना है। अब्दुल आपकी कुछ बोल रहे हो आप? सॉरी, अच्छा वो वैसे कि माइक ऑन, मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा लगता है कोई पूछ रहा है क्वेश्चन कुछ ना, आज असल में वो मेरे पास हैंड फ्री नहीं है, तो ये वो उसका माइक वो चल रहा है उसका ना लैपटॉप का, तो वो मुझे भी वो सुनने में ना। अब्दुल कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना? नो सर, आई वाज टॉकिंग टू अनदर पर्सन, सॉरी अबाउट दैट। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा अब यहां बिना बात ये है कि बिलीफ्स, फिलॉसफीज, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्टेंस लेवल्स क्या हैं। बिलीफ्स कैसे एस्टेब्लिश होते हैं? सबसे पहली बात, इतना आसान तो नहीं होता ना बिलीफ एस्टेब्लिश करना, इसका मतलब है कोई चीज अकर हुई होगी, आपको बताई होगी, या आपने वो चीज देखी होगी, देन आप, अब बताई पे भी आप बिलीव नहीं करते, वो चीज जो कि आप परफॉर्म करके दें आपके सामने हो, या ये बिलीव तो तब भी इस्टेब्लिश होता। अब मैं फिदा को कहता रहूं कव्वा चिट्टा होता है, फिदा मानेगा नहीं। मैं तंजीला को कहूं चिड़िया हाथी के साइज की होती है, तंजीला तो नहीं मानेगी। अरूसा को मैं कहूं कि दिन में अंधेरा होता है, अरूसा नहीं मानेगी। तो ये बिलीफ ऐसे ही एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। अब
इसका मतलब है वो प्रोसेस जिनकी चीजें सारा कुछ नहीं फिदा, मेरे कहने से नहीं मानना, मान ही नहीं सकते ना, मसला ये ऑर्गेनाइजेशन में, हम यहीं से तो एथिकल कंसर्न अब रेज करने वाले हैं ना, तो यही तो प्रॉब्लम्स है। अच्छा फिर तो किसी के कहने पे नहीं होगा, ये वही होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो कि आपके सामने एक चीज अगर हो गई होगी, देन उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना बिलीफ एस्टेब्लिश करेंगे, वो चीज होते हुए परफॉर्म देखेंगे वैसे होगी, देन आप अपना बिलीफ एस्टेब्लिश कर लेंगे। अच्छा फिलॉसफी, अब मसला ये है कि फिलॉसफी एस्टेब्लिश करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये बिलीफ एस्टेब्लिश करने से भी ज्यादा बड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते, वो मल्टीपल इंडिविजुअल्स बार सुकात किसी ग्रुप किसी टीम का भी पार्ट होते हैं। इंडिविजुअल फिलॉसफी अलग होती है, ग्रुप फिलॉसफी अलग होगी, बिल्कुल डायमेंशन अलग होंगी, बट फिलॉसफी कहां से एग्जिस्ट करेगी? आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी कहां से आएगी, कहां से ओरिजिनेट होगी? जाहिर बात है मेरे किसी कॉन्सेप्ट से, मेरे स्कूल ऑफ थॉट से, मैं किस चीज को सपोर्ट करता हूं, किस कॉन्सेप्ट को आगे कैरी ऑन करता हूं, तो इसमें तो कंफ्लिक्ट आता है, पक्की बात। तो आपके नजदीक वो चीज कैसे है, और इसके ऊपर सारे लोगों का एक कंसेंसस, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये इतनी आसानी से नहीं होता। और प्रिंसिपल बेसिकली आपको वो एक कहने मेजरमेंट मीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये मिनिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल, गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज एक्सेप्ट है क्या रिजेक्ट है ये। अच्छा अब हुआ क्या, कुछ ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स रेज हुए कि जहां पे ये बिलीफ जो थे ना ये डिफर हुए, फिलॉसफीज गलत हुई, उसके बाद नेक्स्ट यूं ही जो प्रिंसिपल्स थे वो वायलेट किए गए, तो जिसकी वजह से ये जो वैल्यूज रेलेवेंट इश्यूज थे ना ये रेज हुए। अच्छा इनका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ, एथिक्स के ऊपर। अच्छा अब एथिक्स क्या है, एथिक्स बेसिकली वही मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि आपको गाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एथिकल कंसर्न यही है कि किसी सिचुएशन के अंदर आपको ये जो डिसीजन लेना पड़े कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एथिकल कंसर्न ये है। अच्छा अब ये जो एथिक्स थी इसने कई प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट कर दी, इसमें भी बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करने लगे। बाज लोगों के नजदीक ऐसा भी स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है, वो कहते हैं कि अगर किसी एक सिचुएशन से एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को अफेक्ट होता है तो उस केस के अंदर रॉन्ग डिसीजन ले लेना भी क्या है, ठीक रहेगा, वो राइट है। और एक ऐसा भी ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि मेरे राइट से ज्यादा आपके राइट्स इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो ये कहता है कि ये जो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग है ये बेसिकली डिपेंड अपॉन होता है कॉन्सिक्वेंसेस के, कि किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो कहता है उसकी बेस पे आप डिसीजन करेंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसने आगे फर्दर कई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो ओरिजिनेट कर दिए। हाँ जैसे ये कस्टमर इज ऑलवेज राइट, जारी बात है इस चीज को प्रोटेक्ट करते करते करते, इसकी पुश बनाई करते करते देखिए कंपनीज अपने आप को लॉस में ले जाती, यहां तक कि कई कंपनी डूब भी गई, ताकि वो नहीं है अब क्या करें। अब यहां से ना मोस्टली कई प्रॉब्लम ओरिजिनेट होना शुरू हुए,
कुछ ऐसे कंसर्न्स अराइज होने शुरू हुए कि उसने फिर आगे फर्दर बिजनेस की डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी ओरिजिनेट किया, जिसने फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी ओरिजिनेट किया, और जिसने फिर आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड को भी ओरिजिनेट किया। अब वो क्या थे? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दी जाती है एनरॉन का केस। आप गूगल पे लिखें या आपके सामने आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मशहूर, जिसमें कंपनी के ऑडिटर्स ने, जो कंपनी की मैनेजमेंट थी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, उनके साथ मिल के ऐसे ऐसे फ्रॉड घपले किए कि कंपनी डुबो डाली। तो ऑडिटर्स उसमें गिफ्ट्स और ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते थे, जबकि ये तो एथिकल कंसर्न था सबसे पहले कि उस सिचुएशन में क्या वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना राइट है या रॉन्ग है। देखें, प्रोफेशनल बिहेवियर ये बातें और ये सारा कुछ, ये तो एथिकल इश्यूज रेज होने के बाद सारी बातें फिर ये एस्टेब्लिश हुई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स और बाकी सारा कुछ फ्रेमवर्क्स, और ये सारी बातें बाद में आई। हाँ बिल्कुल, इंटीमेशन थ्रेट, बिल्कुल मुरीद ठीक कह रहे हो आप। तो जब ये एनरॉन का केस हुआ ना, इसके साथ ही दो केसेस ऐसे आए, एक पब्लिक कंसर्न केस था और दूसरा केस ऐसा था कि जिसने तो कंपनी की मतलब कंसर्न ही चेंज करके रख दिए ना। वो आपको याद है, मैंने वो आपको शायद वो एक पता नहीं मुझे याद आपकी क्लास में सुनाया सुना चुका हूं या नहीं है, ये वो एक मैंने आपको केस सुनाया था, वो एक कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर वो छोड़ गया था, तो वो लेके आए कंपनी के डायरेक्टर, दो ने अपॉइंट किया, तो वो बाद में पता लगा वो गैम्बलर था। ये मैंने सुनाई थी आपको, यस 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 सुनाई हुई। तो जनाब इस केस में भी तो क्या हुआ था, एथिक्स की दजियां उड़ी थी ना कि भाई ये तो चीज गलत है कि एक जो कंपनी का रिसोर्स है, कंपनी का एसेट है, आप उसको पर्सनली कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो कंपनी का कैश होता था, वो खुद उस कैश को अपने पर्सनल मींस के लिए यूज कर लेता था, तो ये तो गलत है, हाँ ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा वाकया ये हुआ। अच्छा, अब यहां पर सबक क्या है? पहली बात, इसने एथिकल कंसर्न्स क्या ओरिजिनेट किए जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सारी चीजें ओरिजिनेट साथ साथ कैसे होती गई हैं। देखें, एनरॉन वाले केस के अंदर, अब उस टाइम के ऊपर कोई जो ये जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस होती है ना, ये कंसर्न नहीं था। फिर उस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी कंसर्न नहीं था। फिर सबसे बड़ा, शायद प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर या ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं, इनको एथिक्स का पता ही नहीं था। देन बाद में वो कोड ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश की गई और बाकी सारा कुछ हुआ। मे बी उनको ये चीज पता ही नहीं थी कि ये कोड ऑफ एथिक्स इन प्रैक्टिस कब होती है, सिर्फ ये एक बुकिश नॉलेज था। देखिए, मेरे लिए बड़ा आसान था, यहां से आता ही आपको बताता चला जाता। नहीं, ये चैप्टर जब अब हम पढ़ाते हैं, इससे रेलेवेंट स्ट्रेटजीज पढ़ाते हैं, डील करना होता है, इसकी बेसिस क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी। बाकी लोग हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर एथिक्स को सिर्फ एक फिनोमिना जो कि सिर्फ बातों में डिस्कस किया जाता है, बड़ा अच्छा टर्म है, या अच्छा इस सब्जेक्ट में पढ़ो तो इससे रेलेवेंट इसका फ्रेमवर्क है, ये बात करो तो ये स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करेगा, ये होगा। हम इन प्रैक्टिस नहीं है इनमें। अगर इन एथिक्स होते तो क्या आपके कंट्री का ये हाल होता?
अगर हम एथिकल कंसर्न होते तो ऐसे लोग हमारे लीडर होते नहीं ना, सिंपल। तो आपको लगता है ये मजाक है, बट इसने इतनी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर डोमेन जनरेट करके रख दी। तो उस टाइम पे अब ये इशू था कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और इसको कैसे चैलेंज करें, कोई नहीं थी। उसके बाद डायरेक्टर में सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, एथिकल कंसर्न ये नहीं थे। उसके बाद ये जो फाइनेंस मैनेजर वाला केस हुआ ना, जो गैम्बलर निकला जिसने पूरा कंपनी का फंड यूज किया एट द एंड सारे के सारा स्टॉक एक्सचेंज में लगा के, तो पैसा डुबो दिया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई। तो इसमें आपको पता है उस डायरेक्टर को बाद में, क्योंकि पहले साल जब प्रॉफिट अनाउंस हुआ उसको डायरेक्टर बना दिया गया ना, बाकी शेयर होल्डर छलांगे मार रहे थे यार इतना प्रॉफिट समझ नहीं आ रहा, इतनी तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना प्रॉफिट हो गया। तो खुशी से उन्होंने डायरेक्टर बनाया, डायरेक्टर बनाया तो बस फिर चोर यही सोचता है एक टाइम पे बड़ा काम कब करूं ताकि ये छोटी मोटी चोरियां ना करनी पड़े। आपको पता है उस टाइम के ऊपर जब उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में पहले तो पिटीशन बड़ी मुश्किल से दायर की, देन जब हीरिंग हुई सारा कुछ हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था डायरेक्टर के रोल्स या बाकी सारा कुछ, क्या होगा क्या डोमेन है क्या डिसी, कुछ भी नहीं। और आपको पता है उसने कितने मिलियन डॉलर की कंपनी डुबो डाली और उसको फाइन पता है कितना हुआ? जस्ट $2,000 छूट गया। इतनी बड़ी कंपनी, इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सर पकड़ के बैठ गए। तो जनाब दुनिया में लोगों को ये सोचना पड़ गया कि एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कि आपको गाइड करे कंपनी से रेलेवेंट मैटर्स, कि कंपनी को कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, डायरेक्टर्स इनके रोल्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी सारा कुछ, कंट्रोल जर्नल इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीजें कैसे डील की जाएंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील ओरिजिनेट हुई। तो ये जो बोर्ड में अगर आप बात करें कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसके बोर्ड में सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी करना है, फिर स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट मस्ट कर दी, फिर कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने डिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये क्यों हुआ? ये ऐसे केसेस हुए कंपनियां डबो डाली लोगों ने, ये एथिकल कंसर्न्स ना यूज करके। और हमारे जैसे मुल्क में जहां पे पाकिस्तान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ना लिखी सफदर अली भट्ट साहब ने ना, मेरे टीचर भी अल्लाह पाक खुश रखे, तो एक क्लास में ना उन्होंने जब ये नई नई पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड रिवाइज हुई, ये बात मैं कर रहा हूँ जब न्यू कोड आई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कोड न्यू आई थी MSES 2011 की बात है, यस 2011 की बात है, 10 में आ गई थी अप्रूवल, 2011 में हुआ, 11-12 के दरमियान था, यस 2011-12। तो क्लास में सर बता रहे हैं चीजें, देखिए पता क्या होता है, एक सच है जैसे मैं अक्सर आपको एक बात करता होता हूं कि ना वो मर्जर एक्विजिशन में भी बताया, एक्स ऑफिशियल्स भी वो मैं बताता हूँ तनवीर वो क्या है एक्स ऑफिशियल्स वाले पर, एक वो बेसिकली पाकिस्तान में जो बिजनेसेस है ना ये तो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ज्यादा, पाकिस्तान का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो मोर देन 90% बिजनेस जो है वो क्या फैमिली ओन्ड है, बड़ी बड़ी फैमिलीज ने ही संभाला हुआ है समेटा हुआ है।
जैसे हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी एक तकलीफ क्या है, एक और कॉन्सेप्ट भी क्या है कि देखिए हम बात तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से, नवाज शरीफ के खिलाफ कर लेंगे या बाकियों के खिलाफ कर लेंगे, कोई भी बंदा मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। मैं आपको एक बात रियल फैक्ट बताने लगा हूं आपके इस कॉन्टेक्स्ट के एथिकल कंसर्न। देखिए एक बात पर, स्टील मिल उनकी पहले से है, बाकी सारी चीजें उनकी पहले से थी। हमें तकलीफ कब होनी शुरू होती है? हमें तकलीफ तब होनी शुरू होती है कि भाई मेरे साथ वाले ने गाड़ी ले ली, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है? पैसे को पैसा ही लाता है। बहुत सारे बिजनेसेस जो कि उनके हैं, उनका पैसा इतना है, ये वो तो पहले से फैमिली ओन है, ये कर रहे हैं, तो वहां तो है। देखिए ये चीज करना कि ये यूं, शायद जितना वावेला हो उतनी उसके लिहाज से उसकी शायद करप्शन नहीं होगी। हम ये बात नहीं समझ पाते क्यों, एज ए ह्यूमन बीइंग एक साइकी जो हमारे अंदर होती है ना, हर टाइम के ऊपर वो जो एक सासे कमतरी का एक लेवल होता है वो हर ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करता है। देखें मेरा बाप से यहां पे क्वेश्चन, पहले आप ये बात समझें कि पाकिस्तान में कितने बड़े ऐसे ग्रुप होगा कि अगर मेट्रो बन रही है तो वो उसका सरिया वो अकेली एक कंपनी पूरा कर सके? नहीं कर सकती ना, सिंपल। उनकी कंपनी की कैपेसिटी है, उन्होंने किया, बिड की, रेट ऑफर किया, यस, क्योंकि अब बिड में गवर्नमेंट में भी उनके लोग बैठे हुए थे, सिंपल। तो भाई वो जो बिड आपने दी नॉर्मली दूसरे कंपनी की, आपने उसे 2 रुपए ज्यादा करके दे दी और वो प्रूव भी कर ली उन्होंने। यही एग्जिस्ट करेगा ना करप्शन का लेवल, सिंपल। अच्छा ये ना मैं फैकल्टी मेंबर भी हूं इनका, ये रूट्स वालों की ना यूनिवर्सिटी है। खैर उनके तो 3 मेन सेटअप है भाई बहनों के, जो रूट्स मिलेनियम है ना उनकी एक यूनिवर्सिटी है, उस TMUC नाम है, दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज ना। तो हमने वहां पे एक सिंपोजियम कराया, उस सिंपोजियम के अंदर ना पाकिस्तान की Big 4 कंपनीज के, क्योंकि आप तो ये इसी में ही आगे CA वगैरह और ये ऑडिट में, तो उसमें पाकिस्तान Big 4 के जो है वो जनाब पार्टनर्स है। उसमें से आप यकीन माने एक पार्टनर खड़ा हुआ, उसने बकायदा ये ऑन द रिकॉर्ड PwC का पार्टनर था, उसे खड़ा हुआ और स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, खड़ा हुआ उसने बताया बकायदा, पाकिस्तान ये CA की एडवाइजरी काउंसिल में भी है। उन्होंने कहा जी देखें नवाज शरीफ साहब हमारे पास आए थे, उसने ओपनली कहा नवाज शरीफ साहब को खुदे लाइन लगाने वाले उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम हैं। क्यों, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? देखिए आप उतना बड़ा एम्पायर हो, इतना बड़ा बिजनेस हो, आप नहीं उसे पूछेंगे ये पेमेंट आपने कैसे भिजवाई आज, या क्या किया या क्या नहीं किया? अब वो लीगलाइज चैनल्स के थ्रू भेजना या बाकी सारा कुछ करना, वो तो जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो करेंगे ना। एक ट्रांजैक्शन पे 6,000 की लीगल फीस बचा के नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बात समझें। या अगर लीगल सोर्स से पाकिस्तान में PTI के जब इलेक्शन में पिछले में फंडिंग हुई तो पैसे अगर आते तो कितना टैक्स कटता, या ये टैक्स से बचने के लिए, या वो फिर गवर्नमेंट या उस टाइम की केयर टेकर गवर्नमेंट पूछती भाई ये पैसे आए कहां से, क्यों पैसे इलेक्शन में बिटकॉइन से ट्रांसफर किए गए? तो ये बात समझे, जहां पे ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो ये सारी एथिकल कंसर्न्स, ये सारी चीजें, ये सब कुछ पसे पर्दा चली जाती है। उस टाइम के ऊपर ये सारी की सारी चीजें बुकिश नॉलेज रह जाती है। तो ये हमें समझने की जरूरत है।
तो ये जो फील्ड आई एथिकल कंसर्न्स रेज होने की वजह से, और बाकी सारा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा भाई कि ये चीज होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे बिजनेस कैसे इंपैक्ट, अब इसने जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है आपको बताया कि अच्छा ये करना है, ये ठीक है, राइट चीज है, ये रॉन्ग चीज है, आपको गाइडेंस भी दी एथिकल कंसर्न्स पे भी और बाकी सारा कुछ भी, फिर साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पे भी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होते हैं, जैसे आपके पास KSE 100 इंडेक्स, अब इसकी वर्किंग क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे करते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन दो मेन बेसिस के ऊपर होती है, एक को हम बोलते हैं फ्री फ्लोट और एक को बोलते हैं फुल कैप। अब फ्री फ्लोट का मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू KSE 100 इंडेक्स ये वो ये कहते हैं बेसिकली, फ्री फ्लोट का मतलब ये है इसके अंदर वो शेयर इंक्लूड नहीं है जो कि डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं, एम्प्लॉयज को इशू किए जाते हैं, बोनस दिया जाता है, या ये क्यों रीजन है इसके पीछे। और कहता है बेसिकली पाकिस्तान में जो KSE, क्योंकि सबसे बड़ा इंडेक्स ही KSE 100 इंडेक्स है, तो कहता है कि बेसिकली ये जो KSE 100 इंडेक्स है ना, ये इसके अंदर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 85% है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो किसी भी कंपनी के जो शेयर्स है वो 85% शेयर्स उसके स्टॉक एक्सचेंज में हर टाइम पे ट्रेड हो रहे होते हैं, 15% शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे होते। अब वो कौन से हैं, जरा गौर से बात सुन। देखें यहां पे नंबर 1 कि ये जो आप इशू कर रहे हैं ना शेयर्स, बोनस एम्प्लॉयज को, यही क्यों करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से या आपके कुछ एक्स ऑफिशियल में से कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो रिटायर हो रहे हो या ये, और वो उनके बगैर अब कंपनी का सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो, अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपने उनको प्रमोट करना होता है और डिसीजन मेकिंग में लाना होता है, तो आप क्या करते हैं, उनको कंपनीज के शेयर इशू करके ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते हैं, क्योंकि शेयर्स होना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए मस्ट है। अब जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, सारा कुछ होगा ये, तो आप शेयर तो नहीं बेचेंगे ना, कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर शेयर बेच दिए तो आप फर्दर शेयर होल्डर नहीं है, और उस केस में फिर वो आपके पास ना वोटिंग राइट है ना आपको फिर वो उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेशन, और आप उसके लिए नॉमिनेट नहीं हो सकते, बोर्ड पे नहीं आएंगे। तो बात यहां पे फिर वही आ जाती है कि जब ये बिजनेस स्ट्रक्चर जिस किस्म का है या ये है, तो हर कंट्री टू कंट्री, हर जगह, हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग होती है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी अलग लेवल, वो क्या है बेसिकली कि हम जिस सोसाइटी में सर्व करते हैं कंपनी की, यानी कि ये सेंस रखना कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड दिस सोसाइटी, इसके लिए कुछ कर लूं, कुछ अच्छा रिपोर्टिंग करूं अपने स्टेक होल्डर्स को, बाकी सारा कुछ है हर तरह देखना सोशली कितने रिस्पॉन्सिबल। ये जो आपके सामने है हमारा लेडीज का हर दिल अजीज प्रोग्राम फाद मुस्तफा शो, क्या है ये, CSR ही है ना, कॉर्पोरेट फ्री में मोबाइल इधर से आता है, ये लो मोबाइल, क्यों का ये मोबाइल, ये गाड़ी फ्री, इतने बेहुदा से क्वेश्चन, लो जी 1 किलो तोला सोना, 1 किलो सोना, 1 तोला सोना, ये है वो है। तो जारी बात है, औरतों ने घर बैठ के हा हा करना है ना, पागल हो जाती है देख के। और क्या कह रही हो सिद्रा, सर, उन औरतों को जो प्रोग्राम में लेके जाते हैं मर्द हजरात, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ ये सिद्रा ने सही कहा, इस पे भी अर्ज करता हूं, यही बताने लगा, लेके नहीं जाना चाहिए ना, पहली बात तो ये, सही कह रही है मिस सिद्रा, आई एग्री सिद्रा, पहली बात तो
और सर वो जो उधर इंतहाई बेहुदा नागे डांस कर रहे होते हैं, मर्द हजरात कर रहे होते हैं। हाँ तो जहरी बात है, वो तो फिर अब आवे का आवा बिक रहा है ना वो। हाँ, जैसे दोनों को बराबर कहिए ना, जहरी बात है दोनों का बराबर ही है। घर में देखने वाली मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिसिपेशन अली बात नहीं की फिलहाल। सर मेरे तो अब्बा देख रहे होते हैं बहुत शौक से। क्या बात है, गुड चाहिए। फिर जरा अच्छी तरह बताओ। अच्छा अब ये देखे ना, अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है बट लम्हा फिक्रिया हान हर जगह पे गलत नहीं है। देखिए आपको बात तो ठीक है, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं ना, बात तो ये। अब कल को इसी कंपनी ने जाना है, वो सुजुकी ने मेरान खड़ी कर अपना सबसे वो ब्रांड वो जो है उसकी बेसिस पे कितना टैक्स माफ कराया होगा, आपकी सोच है। यही कहते हैं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें जी ये कर रहे हैं लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको दो जगहों पे कूलर लगा देंगे, देखें जी हम सी वाटर साफ और ये है वो है। देखें जी ये पाकिस्तान में ये सारी नेगेटिव प्रैक्टिसेस में लिया जाती है चीज। तो भाई आपको एहसान नहीं कर रहे, या ये आपको इसकी वजह से मार्केटिंग भी हो रही है आपकी प्रोडक्ट की, बाकी भी सारा कुछ है। अगर आप जिस सोसाइटी में बिजनेस करते हैं उसकी इन्वायरमेंट पोल्यूट करते हैं, आपने कोई पौधे लगा दिए, आपने वहां पे कहीं पे डिस्पेंसरी खोल दी, तो वो कोई एहसान नहीं किया है। आप वहीं से कैश जनरेट करते हैं, आपका कस्टमर वहां एग्जिस्ट करता है, वही इंप्लॉयज हैं जिनके लिए आपने हेल्थ और वैसे फैसिलिटीज ऑफर करनी थी। बट असल में ये ट्रेंड इस वजह से आ गया क्योंकि एथिक्स की वजह से इन प्रॉब्लम्स के बेसिकली चले। अगर बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो तो चाहता है मेरे से एक रुपया ना बाहर जाए। बट इतना भी सोच लेना कि यार ठीक है मेरी जिम्मेदारी बनती है जो भी, बाद में बेशक मैं वो नागन डांस के थ्रू उसको फैसिलिटेट करवाऊं, बेशक कुछ और कर लूं, वो फिर अप्रोच ही अलग है। बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सेम होता, क्या करे मसला है। तो जनाब ये वही कहता है बिजनेस वैल्यूज या वर्चुअस बेसिकली फिलोसफीज प्रिंसिपल्स और बिलीव्स होते हैं आपके ये। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बेसिकली आपने देखना क्या है कि इसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ता, और इन स्टेक होल्डर्स में आप इन वैल्यूज का रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। देखिए जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूज का इंपैक्ट होता है या ये, वो शायद सप्लायर के लिए नहीं है। जो वैल्यूज का इंपैक्ट शायद आपके पब्लिक एट लार्ज या पब्लिक कंसर्न या सोसाइटी कम्युनिटी के लिए है, वो आपके क्रेडिटर के लिए नहीं होगा। अब इसमें वही कह रहा है कि बेसिकली ये आपकी जो बिजनेस वैल्यूज है क्या क्या हो सकती है, क्या है। अब हम देखेंगे कि ये बिजनेस वैल्यूज किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं, इसके एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं, इससे बिजनेस को क्या क्या इम्पैक्ट पहुंचता है, सक्सेस क्या होती है, फेलियर क्या होती है, बाकी सारी चीजें देखने शुरू करते हैं। जो पिछली दफा आपका पेपर में क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल सिंपल था, उसका आंसर आपके पास यहां से लेके ये सारा यहां तक एग्जिस्ट करता था, ये यहां तक ये। अब कहता है बिजनेस वैल्यूज क्या हो सकती है, नंबर वन कहता है प्रिंसिपल्स जो कि आप अपने लिए पर्सनली, जिसके लिए आप पर्सनली स्टैंड करें। अच्छा जवाब वैल्यूज बेसिकली आपको वो कह रहा है तीन मेन चीजें, कहता है कि बेसिकली वैल्यूज क्या है कि बिलीव्स, सेट ऑफ बिलीव्स, फिलॉसफीज एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा अब कहता है इसकी बेसिस के ऊपर जब आप डिसीजन लेते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो वही चीज आपकी एथिकल इंप्लीकेशन बन जाती है। इसका मतलब है कि ये जो आप एथिक्स आपको बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट उसके बिहाइंड जो ये आप डिसाइड कैसे करेंगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो कहता है उसके पीछे आपकी बिजनेस वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज क्या है, आपके बिलीव्स,
फिलोसफी इज प्रिंसिपल. अब व्हाट इज राइट एंड एथिकल कंसर्न का एज ए मुस्लिम इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है. गाइडिंग प्रिंसिपल आपको कहां से, आपका बिलीफ, क्योंकि इस्लाम में उस चीज को बैन किया गया, पीछे हदीस भी एग्जिस्ट करती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता भी दिया बिलीफ है हमारा. तो ये आपस में दोनों इंटर रिलेटेड. समझ आ गई जी बात? बात गुड गुड गुड, ठीक है जी बात. अब कहता है बेसिकली पहला बिजनेस वैल्यूज क्या है. प्रिंसिपल यू स्टैंड फॉर पर्सनली, मतलब ये चीजें हैं, अब इसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता, आपसे ये चीजें ओरिजिनेट होती. फिदा कहता है जी वैल्यूज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन कस्टमर माइंड एथिक्स पॉजिटिव वे फॉर डूइंग बिजनेस फॉर हेल्दी कम्युनिटी. यस बिल्कुल, ये तो अब हम क्योंकि आगे, क्योंकि मैं अभी फिदा इसको बिजनेस लैंग्वेज में बात नहीं करना चाह रहा था, मैं तो सिंपल सिंपल रख के आगे वो, क्योंकि जब हम इसको बिजनेस के साथ रिलेट करेंगे तो अभी देखिए मैं कैसी कैसी फ्रेजेस बताता हूँ आपको. बिल्कुल फिदा A1 100% ठीक है, गुड. तो यहाँ पे वो कहता है पहली चीज के ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके बेसिकली जिनके लिए आप पर्सनली स्टैंड लेते हैं, ये वो चीजें जो कि आपको डायरेक्टली खुद मैटर करती हैं. तो इस केस के अंदर क्या कहता है कि नंबर वन, पहली बात क्या चीजें होंगी, इंटीग्रिटी. अब आपकी जात पे किसी का तो नहीं होता ना ये रोल या इंपैक्ट. आपने रिश्वत ली नहीं ली, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, रिजर्वेंस इस्तेमाल की नहीं की, डिटर्मिनेशन कैसे की किसी चीज की, इनोवेशन, रिस्पेक्ट, पैशन, फेयर माइंडनेस. अब रिस्पेक्ट देखे ना, अब हम ये नहीं कहते कि अल्टीमेटली हम किसी से डिमांड करें रिस्पेक्ट बट हम ना करें, हम दूसरे से डिमांड कर रहे हैं रिस्पेक्ट बट हम कर नहीं रहे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना. दूसरा कहता है मेन द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, जो कि मोस्टली आप सारा दिन एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से. अब ये बिलीफ बेसिकली और एटीट्यूड आपको क्या बताएंगे. मैंने उस दिन आपको बताया पहली बात कि एटीट्यूड क्या होता. कई लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत जगहों पे गलत हो रहा है यार, बंदा या बंदी बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं. वो बगैरती होती है, बेशर्मी होती है और कुछ नहीं होती, वो एटीट्यूड नहीं होता. एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की ओन पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग किसी भी बेसिस पर. तो यहां पे यही है कि बिलीफ एंड एटीट्यूड की जब हम बात करें, कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करे, किसी भी सिचुएशन के अंदर मैनेजर को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई तो उसको फुलफिल कैसे करना चाहिए, भाई स्टाफ को कैसे ट्रीट करें. ये भी आजकल की एथिकल कंसर्न बड़ी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस वैल्यू बन गई है, क्योंकि बॉस तो यही समझता है जो कुछ भी पैसे दे या ये वो, भाई बंदा खरीद लिया. और एक कल्चर हो गया, मैं अक्सर ना सुबह नोटिस करता हूं बॉस का ना सुबह आते हुए या ये. अच्छा वो हमारे में से जरा बड़े कई जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कुछ ऐसे ना अजीब से लोग, मतलब आप देखेंगे कुछ नहीं हुए, अच्छा कोई हुआ काम सही नहीं हुआ भाई, सुबह जाते साथ ही ना बेसिकली वो अपनी जो
सारी रात, और जिस दिन से वो छुट्टी करके घर से गए थे ना, उन्होंने घर में जितनी फ्रस्ट्रेशन कैप्चर की होती है ना, वो यहाँ पे निकाल रहे होते हैं वर्किंग प्लेस के ऊपर। ये वो रियलिटी और वो सच है जो कि रियलिस्टिक भी है, बिटर भी है और डिनायल भी है। ये जो हम सारा दिन फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी सोर्स से जो कैप्चर करते रहते हैं, वो अपनी वर्किंग प्लेस पे उसका फुलफिल कर देते हैं। कुछ लोग तो रोड पे खड़े होकर लड़ाई कर लेते हैं, बाकी आइडियल प्लेस वर्किंग प्लेस, और वो बॉसेस जो कि बड़ा एंजॉय फील करते हैं। ये है, आप दूसरे को जरा अच्छे से ट्रीट करके देखें, खुदा गवाह ये चीज आपको इंटरनली बड़े सेटिस्फाइड फील करवाती है। बट क्यों करें, हमने तो दूसरे को अपने से हमेशा कमतर समझना है ना। और भाई ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये बातें सारी यही नहीं रह जाती, फिर ऐसा ही होता है ना, तहरीके अदम इतमाद आ जाती होती है। तो कंपनी में भी तो स्ट्राइक होती है ना, वहां पे भी तहरीके अदम इतमाद आती है। तरीके से सलीके से ट्रीट करें अपने एम्प्लॉयज को, जूनियर्स को। हम सारा दिन कईयों को बातें सुना के या ये बड़ा फखर फील कर रहे होते हैं, और फिर भी हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती, मेडिसिन बता दें, आंख खुल जाती है, ये है वो है। मुझे आज तक नहीं समझ आई, वो सिर्फ इसी वजह से है। कभी करके देखिए कि बड़े मजे की नींद आती है, दूसरे की रिस्पेक्ट करके देखिए, वो अपने से ज्यादा दूसरे को इंपॉर्टेंस दे के देखे, अपने एम्स अपने रोल से ज्यादा दूसरे के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, आप देखिएगा लाइफ बदल जाती है। आप में से मोस्टली लोग नहीं, है ही नहीं है, मुझे जानते ही नहीं। मैं आज भी रात को सिंपल मेरे हाल से 1.25 घंटा लेटा हूँ, और वो भी कब लेटा हूँ, सुबह सहरी के फजर की नमाज पढ़ने के बाद। तो मैंने सुबह निकलना होता है घर से 7 बजे, तो वो मैं लेटा था कोई तकरीबन ना 5 बज के कुछ 10 मिनट हो रहे थे, तो जनाब 6 बजे उठ गए, बस फिर चल सो चल। बट वो जितनी देर नींद ली थी ना, अब ये मेरी आवाज है, ये मैं सुबह की लगातार कंटिन्यूअस क्लासें पढ़ाई हैं। आज तो मैं घर भी नहीं गया, कल मैं लेट हो गया था तो कॉलें आई पीछे से, कि मैं कहा यार वो अब मैं आज जरा लेट हुआ हूँ, क्लास एक लेंथी होगी तो घर लेट पहुंचा तो क्लास का टाइम जाएगा। तो बट वो क्या हुआ कि इतनी देर है बट मुझे कहीं पे वो फीलिंग नहीं है नींद की, या वो फीलिंग नहीं, वो मेरा वो उतनी देर जो सोया था ना पूरी हो गई। तो ये इसी वजह से होता है, ये सारी मजाक नहीं है। आगे कहता है योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। यस, पहली बात ये है कि आज की डेट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सलमान बताता हूं। अच्छा सलमान, दो चीजें होती हैं मेरे से ना, बहुत सी चीजें मजबूरी ने करवाई हैं लाइफ में, एक रीजन तो ये है। फिर दूसरी रीजन सलमान पता है क्या है, कि मैं टीचिंग में ना बाय पैशन, मैंने इसके लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया है और बहुत सारी कुर्बानियां दी। इनफैक्ट अपने लाइफ के उस फेज के अंदर मैंने उस लेवल की जॉब छोड़ दी थी कि शायद आज मैं सीईओ होता।
बेसिकली मैंने एक चीज बताया, जब तक आप किसी चीज को अपनी मजबूरी नहीं ना बनाते या ये, उसके लिए आपका पैशन नहीं होता। मैंने जब बीबीए किया ना, तो ये कि मेरी मदर को बड़ी ख्वाहिश थी मेरा बेटा कोई व्हाइट कॉलर, क्योंकि हमारे खानदान में पहला पहला चिराग था जो पढ़ लिख गया, और मेरे जैसा चीज अगर पढ़ लिख जाए, वो कर ली उसने डिग्री, तो वो पूरी फैमिली भी शौक में थी, समझ नहीं आ रही थी ये हो पढ़ कैसे गया। तो वो ना उनको बड़ी थी कि अच्छा ये कोई जॉब करेगा बैंक का, किसी का मैनेजर, तो यही होता है हमारी डोमेन बिजनेस में पढ़ के, तो बाद में ना, तो वो होता क्या था, मैं अप्लाई करता होता था, मुझे नहीं करना था, तो मैं क्या नाम है अप्लाई करता था, उनका लेटर आता था, जो इस्लामाबाद पिंडी के लोग हैं ना उनको पता है हमारा दो ही बड़े मशहूर हर लिहाज से पॉइंट है, एक नंबर वन सेवर और सस्ता आधा ये ना। तो मैं क्या करता था कि घर से निकलना, आके ना सेवर पे सेवर खा के ना तो घर चले जाना। वो जब अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे वाली साहब को, तो वो वाली साहब ने ना पूछना और अम्मी है, तो मैं कहता मेरी सिफारिश नहीं है, मेरी कहां से बारी आएगी, अब मैं ये नहीं बताया मैं गया ही नहीं था पहले मैंने ये भी किया। तो बस हो गया मुरीद उसमें ना वो, अच्छा उसने पूछा बेसिकली क्या है कि आपको ना थोड़ा सा पेपर के लिए या ये चीजें पढ़ाए, मोस्टली मैंने ये देखा है, मैंने भी जो एजुकेशन आगे ली बीबीए के बाद, ये सारा अपने पैसे के ऊपर पढ़ा, सारी मेहनत खुद की, बेसिकली क्या होता है आपको लाइफ के अंदर ना बैलेंस बनाना पड़ता। जब चीजों को आप उलझा देते हैं, अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, आपको लगता है अच्छा कई लोगों की शादी होगी, अब मैं क्या करूंगा, आगे मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मेरे पास अब टाइम नहीं रहता, ऑफिस सबसे बड़ी चीज होती है, जो आप जॉब करते हैं ना अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो कई प्रॉब्लम्स आपकी हल हो गई। मेरा पैशन है, मुझे आप सारे दिन सारी रात खड़ा कर देना बोर्ड पे, ये पढ़ाता रहा मैं पढ़ाता रहूंगा, इसी फ्लो से पढ़ाऊंगा, पहली बात। तो मुझे बात यह कि क्या जो टारगेट आपने सेट किया आप वो अचीव करना चाहते हैं, अगर अचीव करना चाहते हैं, पहली बात जब तक आपकी ये परसेप्शन होती है ना, हमारे में से कुछ जो मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पहले से एक अच्छी जॉब पे होते हैं ना, हमारी प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। क्या हम कहते हैं हमें तो पीस ऑफ पेपर चाहिए प्रमोशन के लिए या ये, वो फिर वो वाला मजा थोड़ी रहता है लड़के, तो फिर उसके इसके अंदर वो चार्म भी नहीं रहता, वो जो आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए ना वो भी नहीं रहेगा। और फार्मूला बड़ा सिंपल है लड़के रात को जाग के पढ़ने का, ये अच्छा पढ़ने वाला काम वैसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मैंने भी नहीं किया, पर जब मजबूरी होती थी फिर हम करते होते थे। कुछ फार्मूलाज हैं, देखें मुझसे कभी जिंदगी में थ्योरी याद नहीं हुई, मैंने मूवीज, मुझे मेरे ख्याल से मेरी एक डिग्री हुई होगी मूवीज देखने में, मैंने मूवीज के डायलॉग देख देख के थ्योरी याद की, अपना अपना होता। अब कई लोग होते हैं वो न्यूमेरिकल करते हैं, उनको सॉन्ग सुनने बड़े पसंद होते हैं, मुझे मूवीज के डायलॉग सुनने पसंद है, उससे करता हूं। तो यूं है नहीं शामरीद, मैं सीए पढ़ाता हूं, बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूं, नाम है अल्लाह का शुक्र, सीए में एडमिशन लिया छोड़ दिया, इसके लिए नहीं बना था लड़के, इंशाल्लाह बहुत जल्द दुआ करें कि ये मामलात कुछ एचईसी के सही हो जाए और बाकी हो जाए। तो मेरा एक रह गया जी पीएचडी का कंप्रीहेंसिव पेपर रह गया और थीसिस का डिफेंस है, तो मेरी इंशाल्लाह पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, आगे के, अब ये वो बात है कि सबसे पहली मेन चीज ये कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड बिहेवियर तो तब होगा ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस को तो शो करें, और ये होती है हर कंपनी इन राइटिंग फॉर्म में भी अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करती है, बाकी भी है जैसे भी वो फिदा ने बात की थी ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो यही कंसर्न है कि आप
मतलब आपके कस्टमर के अकॉर्डिंगली आपके हैं, आपका कस्टमर आपसे क्या चाह रहा है, किस तरह की सर्विस रिक्वायर करता है, बाकी सारी कुछ जो है वो क्या है, क्या आप वो चीज, वो जो चीज चाहता है वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, बाकी सारा कुछ है। इन सारी चीजों के लिए कंपनी को पहले ये सारी बातें डिस्कस करनी पड़ती और अपना क्लियर स्टांस देना पड़ता। कई कंपनी वो जो प्रोडक्ट कहती है वो अपनी डिजाइन टेस्ट इस चीज में पैकेजिंग वो कहते हैं हम नहीं चेंज कर सकते, नो कंप्रोमाइज। अब जिस तरह ये रेस्टोरेंट बिजनेस जो हो गया या ये यहां पे तो मजबूरी बन गई है, आप कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे अगली दफा आएगा नहीं। हम यहाँ पे होटल में बैठते हैं, अच्छा कढ़ाई खानी है भाईजान, काली मिर्च में बनाना, ग्रेवी ज्यादा रखना, अच्छा फिर मक्खन ये है वो है, मतलब इसी तरह की होती है ना कस्टमर की डिमांड। मैं कोई एलियन थोड़ी हूं, मेरी भी यही होगी, आपकी भी यही होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस क्यों होती है, क्योंकि आपकी भी वही होती है बात, मेरी भी वही होती। तो कहते हैं ये बेसिकली बिजनेस की जो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं ये आपको बतानी पड़ती, जिसकी बेसिस पे फिर आगे चल के लोग अपना बिलीफ और ये सारी बातें एस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि अगर ये डिफरेंट होंगी कि अगर ये जो एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर सेम ना होती तो इसमें तो अल्टीमेटली फिर बिलीफ सही नहीं बनेगा, सिंपल है, और बिलीफ की बेसिस पे कंफ्लिक्ट अराइज होंगे। मैं कहूंगा कवा चिट्टा है, रूसा कहेगी नहीं ब्लू है, फिदा कहेगा नहीं सर कल तो येलो देखा था आज का पता नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा प्रॉब्लम बड़ा में है। कहता है अब ये जो बिजनेस की वैल्यूज है ये किस तरह से ड्राइव करती है सक्सेस। मैंने आपको जो बातें की हुई है पीछे अगर आप याद कर लें, कंपटीशन बेसिस कंपनी की चेंज हो गई है, अब कंपनी जो सस्टेन करती है बिजनेस ग्रोथ और ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेंड्स चेंज है। क्यों है ये देखे ना कि पहले तो वो आप प्राइस बात कर रहे थे, और भाई अब प्राइस से ज्यादा कंपनी वैल्यूज मायने रखती है, एथिक्स ज्यादा करती है। आज बिजनेस को अनएथिकल प्रैक्टिस कर ले तो देखे ना क्या हो जाएगा। अब उस दिन का आपको एक बंदे ने एक झुंझुना पकड़ाया हुआ आप बजा रहे, अच्छा ये सारे गद्दार है, तो पाकिस्तानी कौम बैठ के बजा रही है ना झुंझुना, 200 बंदा कैसे गद्दार हो सकता है एक साथ। क्यों? क्योंकि हमारी एथिकल और मॉरल वैल्यूज इतनी गिर चुकी हुई है, बड़ा हमारे सामने हो कुछ भी हो, ये घर से चीजें स्टार्ट हुई है। बड़े बैठे होते हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, वहां ट्वीट भी देख रहे होते हैं और भी मैसेज आ रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, वो बेचारे हमारा मुंह देख रहे होते हैं। यहां से डिस्ट्रॉय स्टार्ट हुआ सोसाइटी का। बड़ा बैठा है, हम टांगे उसी की तरफ करके बैठे होंगे, लेटे होंगे, फिर यही होता है जो नजर आ रहा, क्या कर सकते। तो कंपनी भी यही कहती है कि वैल्यूज छोड़ दोगे भाई धजियां उड़ जाएंगी। अगर सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस वैल्यूज को थामना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं। अब वो क्या है, नंबर वन कि सबसे पहले अगर आपको जिस तरह ऊपर उसने कहा था ना आपको एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बता देनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए एम्प्लॉयज के साथ अपने बाकी साथ, तो कहते हैं बेसिकली ये वैल्यूज ही होती हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने राइट डिसीजन कैसे लेना। नंबर टू आपको कहता है इंप्लॉयज कम्युनिकेशन इसकी वजह से होती इंप्रूव हो जाती है। जारी बात है, गालियां या ये हम चीजें नहीं देंगे, फेयर रहेंगे, एथिकल कंसर्न रिस्पेक्ट एक दूसरे की, एक तो खुल के बात कर सकते हैं ना।
हम क्यों नहीं खुल के बात करते? क्योंकि हमारे अंदर चोर होता, इसका मतलब होता है या तो हम टाइम पे नहीं आए होते ऑर्गेनाइजेशन में या बाकी सारे मसले, तो बॉस लेट आएगा फिर हम उसको कैसे गलत कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड कहता है वैल्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट। अब ये जो मोटिवेशन है ये ना, ये आपको जो मैंने कहा था, जो आपके बुक का, जो आपके कोर्स का एक और पोर्शन है जो कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट यही है। हम यहां से नेक्स्ट बात छेड़ेंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है आपका एम्प्लॉय मोटिवेशन एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर। आप गलत डिसीजन है कुछ भी हो जाए तो वैसे भी मोटिवेशन की तो किसको पड़ी है, कितनी आसानी से कंपनी जब कंपनसेशन पैकेजेस डील करने होते हैं और ये कितनी आसानी, कोई नहीं है रहा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, उसको क्या लगे ये बंदा सारा दिन माइंड में पता नहीं कितनी कैलकुलेशंस करता रहता कि यार यहां जाना है, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, महीने में ये चीज कैसे पूरी करूंगा। वो आसानी से आपको जनाब इधर आपकी वो तय हो रहा है कंपनसेशन पैकेज, ये आसानी से कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, या ये हो गया उतना नहीं लगा आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं लगा प्रमोशन बाकी सारा कुछ, क्या कर सकता बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता, कई जगहों पे गलत भी लग जाता। फिर कहता है फोर में कि ये जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं ना, कस्टमर्स होते हैं, कि आपको उनके माइंड में ये चीज, ये पर्सपेक्टिव क्लियर कि आपकी कंपनी किस चीज के लिए खड़ी है। ये तो हर साइकी वैल्यूज और ये कुछ चीजें आपकी स्लोगन्स और बाकी चीजों से भी हो, जैसे आप यूफून है तुम ही तो हो, मैं वो कहते हैं भाई कस्टमर तू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। फिर कहता है कंपनी अट्रैक्ट भी कर पाती है और रिटेन भी कर सकती है टॉप टैलेंट को, अगर आप बिजनेस वैल्यूज को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जो आपके एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं ना वो छोड़ के जाते हैं बल्कि दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होते हैं, देखें यार वहां पे ये चीज हो रही हमारे यहां ये चीज नहीं हो रही, क्यों लोग बिग फोर में जाना चाहते हैं, क्यों आप चाहते हैं जनाब के अच्छा बैरियर टाउन में जॉब मिल जाए, अच्छा DHA में जॉब मिल गया, अच्छा यहां पे हो जॉब वहां पे, क्यों चाहते हैं? मुझे नहीं पता आप में से किसी की नजरों के सामने से वो एड गुजरा है, तो मैं का मैं क्योंकि क्रिटिकल होता हूं, मैंने सारा दिन पढ़ाना है कि हम क्रिटिकल थिंकर ही पैदा करते हैं सारा दिन, तो हम ये चीज देखते हैं और एग्जाम्पल कोड करनी पड़ती है ना। आप में से कई लोगों ने YouTube पे पता नहीं वो एड देखा है या नहीं देखा, यूनिलीवर का आजकल एक एड चलता है, वो कई दरमियान में आ जाता है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ना वो कर रहे हैं अपने आप को इक्वल अपॉर्चुनिटी और बाकी सारी चीजों के लिए। किसी ने देखा है यूनिलीवर का वो एड, उसके किसी की नजर से गुजरा है? बहुत आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट दिया, ला के रख दिया यूनिलीवर ने बाकी कंपनी को, कोई एड देखे ना वो यूनिलीवर का, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा आज नेक्स्ट क्लास में ना फ्राइडे से पहले देख के रखिएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूं यार एक दफा बंदा देखे ना तो बंदा कहता है सोच है और अगले लेवल की सोच है, कम अज कम पाकिस्तान के अंदर ये सोच एग्जिस्ट नहीं करती, और वो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एड बनाया,
यूनिलीवर पाकिस्तान का एड है, आप लिखिएगा ना यूट्यूब पर लिखकर यूनिलीवर पाकिस्तान लेटेस्ट एड अबाउट जॉब प्लेसमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो वो आपके सामने आ जाए, देख के आइएगा, उसकी वर्डिंग सुन के आइएगा, बंदा एक दफा अंदर से चार्ज होता है, स्पार्क मिलता है, यार कुछ किया है, पता लग रहा है। तो यूं ही होता है कि आपके जो बायर, अगर आप कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, तो आप वो बंदा जो यूनिवर्सिटी से अभी न्यू ग्रेजुएट निकल रहा है, क्योंकि आप हम जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं ना, या बाकी सारे जो, एक फर्क है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में और प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप रूल इतने गए होते हैं, खवार इतने हो गए होते हैं, बॉडी पास आपको तब कर रही होती है और बाकी सारा कुछ, तो यहाँ पे रियलिटी क्लियर होती। अच्छा, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में ना आप वहाँ यूनिवर्सिटी में और ये वहां पे तो बच्चों को ऐसा पैम्पर कर रहे होते हैं टीचर, या ये आपको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा रहे होते हैं, वो तो जब आप रोड पे आते हैं ना पहले दिन जॉब के लिए बूट घिसना शुरू करते हैं, ओ भाई ये क्या हुआ, पता तो तब चलता है। तो ये केस है भाई, तो वो जो बंदा वो एड देखेगा यूनिलीवर का, वहां हर बंदे की, हर यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट की कोशिश होगी यूनिलीवर में अप्लाई करो भाई। उसके बाद क्या था, दे हेल्प यू अट्रैक्ट कस्टमर दैट शेयर द सेम वैल्यूज। बिल्कुल, आपको आपकी तरह का कस्टमर मिल जाएगा जो के मानता है डीलिंग्स परचेजिंग, या इनके अंदर ब्राइब्स लेना देना गलत, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या करें फिर, आज ना मैं वो एक मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का एक कोर्स पढ़ा रहा था, उसके अंदर ना एक टॉपिक का बड़ा मजे का है, वो कहता है बेसिकली कंपनीज को ना जिन दिनों में इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना होता, सॉरी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना होता, अब वो क्या करते हैं, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो एक कॉस्ट है, अब कॉस्ट जब बियर कर रहे हैं तो कहता है कंपनी क्या करे, अब वो प्राइस नहीं छेड़ सकते, प्राइस को कहता है अनइफेक्टेड या अनचेंज रहने दें, क्योंकि अगर छेड़ेंगे तो कस्टमर तो स्विच कर जाएगा। कहता है आप साइज पे कंप्रोमाइज कर लो। साइज कंप्रोमाइज का मतलब क्या है, वो क्योंकि टर्मिनोलॉजी उस टाइम पे जो हम जिस एग्जांपल में वो पढ़ रहे थे, वो एग्जांपल वहां पे वो कंसर्न बेसिकली सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हो रहा था, तो वो कहता है साइज को मतलब यहाँ की क्वालिटी को कम कर लो। तो कहता है कि आप क्या करें, इस तरह से प्रॉफिट को इंक्रीज कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पड़ रही है इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, तो उस केस में तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपको कॉस्ट पर्टिकुलरली पे करनी है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि आप क्या करें, साइज कम कर लें, यानी कि क्वालिटी को मिनिमाइज कर लें, प्राइस वही रहने दें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लें, इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब कस्टमर तो ये चीज उसको बुरी लगती है, आप देखें लास्ट 2 से 3 साल के जो मेरान के मॉडल्स थे, उसने उसका साइज श्रिंक कर दिया हुआ था, सिटिंग कैपेसिटी कम कर दी हुई थी। हम मैयर करके देख लें इससे 3 साल से पिछली मेरान और ये जो लेटेस्ट गई है, इसके साइज आप खड़े करके देखें, वो आपको नजर आएगी, यस वो यार ये श्रिंक हुई। तो फिर कस्टमर भी वैसे ही होता मिलता आपको, उसकी साइकी भी वैसे ही होगी। आगे कहता है दे मेक योर मार्केटिंग एंड इंटरनल कॉम्स टीम्स लाइव्स इजियर। ये बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन टीम्स की बात कर रहा, कहता है जिंदगी आसान हो जाएगी भाई,
कंपनी वैल्यूज क्लियर है तो कहता है आपके मार्केटिंग और जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है इसकी वजह से कई आसानियां होती हैं। अब मार्केटिंग मतलब अब एडवर्टाइजमेंट और ये मतलब अब ये जिस तरह लेडीज प्रोडक्ट्स में मोस्टली रात को ये लगा के सोए सुबह आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगी इस किस्म की। मार्केटिंग वालों को ये झूठ बोलने तो नहीं पड़ेंगे ना, सच में काम कर रहे हैं बात है। तो आपको बाहर से हलीमा सुल्तान को ला के अपनी प्रोडक्ट बेचनी नहीं पड़ेगी। तो ये वो चीजें हैं जिनका बड़ा इंपैक्ट है आज की डेट में बिजनेस पे। भाई पूछे जनाब कोई क्वेश्चन? मुरीद रेफरेंस हो तो हर कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर। सीए सिर्फ ना एसीसीए के अगेंस्ट लॉबी है पाकिस्तान में इनकी, तो ये तो पीफा एसीएम में और ये जो है ये तो एक ही थाली के चट्टे गट्ठे हैं, तो ये तो मिल जाती है। रेफरेंस हो तो क्या कुछ नहीं होता मुरीद। मुरीद लॉबी है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी सख्त है। एसीसी अलग विचारों को कहीं पे कहीं मिल जाए सिफारिश से तो मिल जाए, वरना इनको बुनी अकोमोडेट करते हैं मोस्टली। तनवीर ये मैंने शेयर नहीं किए नोट्स है? अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैं सुबह फजर से पहले कर लिए थे। ठीक है मैं कर दूंगा डोंट वरी, अभी आए थोड़ी देर में इंशाल्लाह भेज देता हूँ। मैंने मुझे ये लगा था मैंने फजर से पहले ये काम खत्म कर लिया था, भेज दिए कल वाले तो भेज दिए थे ना। हाँ ये रहनी शायद ठीक है मैं भेज देता हूँ। पूछ रहे जनाब कोई क्वेश्चन कोई चीज? तो मुरीद जब तू अप्लाई करे ना पीफा की बेसिस पे मुझे बताई ये लड़के, मैं कह दूंगा पार्टनर को तू बेफिक्र रह। शाह मुरीद के लिए ऑफर है मेरी तरफ से। ठीक है जी इंजॉय करें। सलमान बस समझो कश्ती नेड़े लगी हुई है। मेन आपके रह गए हैं दो ग्रिड है, पहली और आखिरी। ये मैं आपको दिखा देता हूं शेयर कर देता हूं चले जाने से पहले है टाइम। अच्छी सी एक रिवीजन भी कर लेनी है। पिफा वाले सोचते रह जाएं हुआ क्या हमारे साथ, ये तो बच्चे पास हो गए इस दफा, तो रिवीजन जो है ना वो अच्छी सी हमने ठोक डालनी। किधर गया एक मिनट, मैंने सामने ही रखा हुआ था यहां होना चाहिए था, ये किधर गया? हाँ ये है ये देखें जी मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। ये देखें जी आपका सिलेबस रेफरेंस एक ये रहता है वन एक लेक्चर की मार इंशाल्लाह ये है, उसके बाद ये टू आप कर चुके, थ्री आप सारा कर चुके, फोर आप ये हम कर रहे थे ये भी करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्राइडे, उसके बाद फोर भी हो गया, फाइव भी आप सारा कर चुके, सिक्स भी आप सारा कर चुके, सेवन में मैनेजिंग चेंज रहता था ये पीछे हमने उस दिन कर लिया। तो इसका मतलब है आपका पहला और आठवां जो सिलेबस रेफरेंस है ना ये रहता। अब इसमें बड़ा कंफ्यूज हूं यार, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ जरा बॉडी से क्या गंद डाला हुआ बहरहाल। तो इसका मतलब दो रह गए छह हो गए,
सेवन ए सेवन बी एट ई किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट इसी में मिलेगा सलमान, बेफिक्र हो जो। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह मैंने जो करके रखा हुआ था ना ये वाला भी, ये जो बिजनेस वर्च्यूज वाला, ये वैल्यूज वाला है, तो इसका मतलब है आज आपकी ये आपको नजर आएगा इसमें मिशन स्टेटमेंट और ये वाला जो था ना, ये देखें फोर का ये वाला था ना, फोर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर और ये वाला, तो ये मैंने बना दिया हुआ है ये कंप्लीट, क्योंकि पिछली दफा भी कई मुझे ना स्टूडेंट मसला कर रहे थे सर ये बताएं ये मिशन स्टेटमेंट का ये वाला क्वेश्चन आया इसको कैसे लिखेंगे या ये, तो वो मैंने उसकी कन्वर्जन बिल्कुल इसी के हिसाब से कर दिए जैसे नोट्स, जिंदगी आसान कर दी हुई, मिल जाएगा। तो वो सारे लेक्चर सलमान कोई भी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, सलमान नहीं, सलमान नहीं, आपको लग रहा है 80% मैच कर रहा है, ये विजन स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर आपका सेम है जो इन्होंने और ने वो जो यहाँ पे बिहेवियरल थ्योरीज की बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ अलग है, फिर इसमें जो पहले तीन पोर्शन है वो तो आईटी और वहां पे तुम्हें पता वो बीएमबीएस के अंदर तो चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ एमआईएस और उसका कॉन्सेप्ट है तो वो अलग है, तो आई थिंक बस वो थोड़ा अंदर है उससे अलग है, काफी है अलग, बहरहाल आई थिंक दे देनी चाहिए थी। चल इंजॉय करें जी अपने अपने खर्चे पे, दुआ करें सुप्रीम कोर्ट बस फैसला सुना दे, नहीं तो फाइनेंशियल रिजर्व 2 महीने के रह गए हैं पाकिस्तान में और ट्रेड डेफिसिट जान छप्पड़ फाड़ के पाकिस्तान का स्वागत किया, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दुआ करें, इस टाइम बहुत बुरे हालात में हम, ये मुल्क है तो हम हैं, ये नहीं है तो श्रीलंका वाला आपने हाल देख लिया, इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक और उन्होंने तो प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दी, और आपको ये भी बता दूं तो आप लोग तो नहीं है इस फील्ड में या क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स और ये फाइनेंस सारा दिन डील करते हैं और देखते हैं, पाकिस्तान को वार्निंग जारी की हुई थी सारे इकोनॉमिक फोरम्स ने कि आपका हाल श्रीलंका से पहले बुरा हो जाएगा, वो तो आपको ये डील बचा गई थी यही में, वरना आपके यहाँ हो गया था, आप डिफॉल्ट हो चुके हुए थे अंदर की बात लिटरली। और अब जो है 2 से 2.5 महीने की वार्निंग है पाकिस्तान को, और दुआ करें उसके दरमियान ये चीजें सही हो जाए, नहीं तो श्रीलंका से ज्यादा बड़ा क्राइम वहां तो फिर लोगों में शायद इंसानियत होगी, पाकिस्तानियों में इंसानियत एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे हालात ज्यादा खराब होंगे, अल्लाह बचाए। ये है मुल्क तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं है, उन लोगों को सोच चेंज कर